कर्नल पब्लिक स्कूल की स्थापना सन 2000 में की गई। इसके चेयरमैन श्री ओम प्रकाश राठी जी और प्रधानाचार्य श्री संजीव डबराल जी हैं। स्कूल में 50 से ज्यादा अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, जो अत्यधिक योग और प्रशिक्षित करने की हैं। कक्षा 11वीं में सभी स्तर उपलब्ध हैं। यह स्कूल टूडल कला के बुढ़लाडा रोड पर स्थित है। स्कूल में सभी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे स्विमिंग पूल, खेल का मैदान, NCC आदि। स्कूल में सभी कमरों में और कैंपस में सुरक्षा के लिए CCTV भी लगाए गए। स्कूल लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। स्कूल के साथ साथ यहां डिग्री कॉलेज, BEd, नर्सिंग कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन कॉलेज भी स्थित है। स्कूल का CBSE का परिणाम सन 2021-22 में 96.8% रहा। स्कूल के विद्यार्थियों ने जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में 17 गोल्ड मेडल जीते। आप एक बार अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए स्कूल में जरूर आए। मेरा नाम निशा डबराल है, मैं हिंदी टीचर हूँ और मैं इस स्कूल में आपके इस स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारा स्कूल है जो बहुत तरक्की पे है, बहुत तरक्की कर रहा है और हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा दिन रात आगे बढ़ता रहे, और हमारा स्कूल बच्चों को वही उपलब्ध कराता है कि आपका बच्चा हमेशा प्रगति करे और उसका हमेशा हर तरह से उसका सर्वांगीण विकास हो। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, CCTV कैमरे लगे हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे झूले की व्यवस्था की गई है और यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ बच्चों का हर तरह से विकास होता है। बच्चे यहाँ गेम्स में नंबर 1 पर आते हैं, अच्छी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों में बहुत मेहनत करते हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ पूरी तरह से मेहनत करते हैं। और आप अपने बच्चे को यहाँ पे एक बार विज़िट करवाइए तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की बहुत प्रोग्रेस होगी और जैसा आप चाहते अपने बच्चे का भविष्य, वैसा भविष्य आपके बच्चों का बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत है, मैं कर्नल पब्लिक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के तौर से काम कर रही हूँ और आज हमारा रिजल्ट का समारोह था और इसमें हमारे मोर देन 60 बच्चे जो हैं उनको आज ट्रॉफीज़ दी गई हैं कर्नल OP राठी द्वारा एंड हमारे प्रिंसिपल संजीव डबराल जी द्वारा। और बच्चों को इसी तरह प्रोत्साहन करने से उनका जो उनको मोटिवेशन मिलता है, इसी मकसद से हमने उनको आज ये जो समारोह है मनाया था। हमारा एक्चुअली 2 दिन ये फंक्शन चला है, कल भी हमारा ये फंक्शन था जिसमें हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी की है UKG क्लास की, और आज के दिन हमने विशेष तौर पर 1st से लेके 9th क्लास तक के जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए थे उनको रिजल्ट जो है दिया है। सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर अवश्य विज़िट करें ताकि उनके बच्चे जो हैं बच्चों को भी साथ लेकर आएँ, ताकि बच्चे जो हैं अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखें। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो बच्चों के साथ आना यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, ताकि बच्चे जो हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे पास +1 में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, तो अपने हिसाब से बच्चे उनको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे वेल एक्सपीरियंस स्टाफ से वो पढ़ाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारा जो CBSE का रिज़ल्ट भी रहा है वो भी बहुत इस साल बहुत अच्छा रहा है, ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो हैं बहुत टॉप किया है। जैसे U19 में कबड्डी में हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया है और मोर देन 17 मेडल्स जो हैं वो हमारे बच्चों को यहाँ पर मिले हैं। तो इस तरह से हमारा जो बच्चे हैं ओवरऑल अच्छे परफॉर्मर हैं हर एक फील्ड में, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि सभी फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, आपने स्कूल के कर्नल स्कूल के अंदर क्या क्या बच्चों को फैकल्टी दी जा रही हैं और कैसा इन्वायरमेंट स्कूल के अंदर देखा जा रहा है? हाँ जी, हमारा जो स्कूल है काफ़ी, आपने देखा ही होगा, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यहाँ पर विशेष तौर पे बच्चों के हर एक मतलब लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।